ट्विटर को खरीदने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने मंगलवार को ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट के लिए फीस तय कर दी। मस्क ने इसकी जानकारी सिलसिलेवार ट्वीट से दी है। मस्क ने ट्वीट में कहा है कि ब्लूटिक के लिए यूजर्स को $8 फीस के तौर पर देनी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट बताया है कि फीस हर देश में अलग अलग होगी। दरअसल आपको बता दें, टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क ट्विटर खरीदने के बाद एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। इस बीच उन्होंने मंगलवार देर रात ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट के लिए फीस तय कर दी। मस्क ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और इसकी जानकारी दी। दरअसल अपने ट्वीट में ट्विटर के नए मालिक मस्क ने कहा कि ब्लूटिक के लिए यूजर्स को $8 फीस के रूप में देनी होगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि फीस हर देश में अलग अलग होगी। बता दें, दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के चीफ बन चुके हैं। मस्क के ट्विटर चीफ बनने के बाद कहा जा रहा था कि न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी बहुत कुछ बदल सकता है, और अब ठीक वैसा ही हो रहा है। ट्विटर पर ब्लू टिक मिलना कई लोगों के लिए एक उपलब्धि है। अब तक ये यूजर्स के लिए फ्री था, लेकिन अब आपको इस सर्विस के लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। ट्विटर के नए मालिक इस प्रक्रिया को सुधारने पर काम कर रहे हैं। ट्विटर के नए मालिक मस्क ने खुद ट्वीट करते हुए ब्लू सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत लोगों को क्या फायदे मिलेंगे। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को रिप्लाई, मेंशन और सर्च में प्रायोरिटी मिलेगी। एलन मस्क के मुताबिक इस फीचर के चलते स्पैम और स्कैम पर लगाम कसी जा सकेगी। इसके अलावा यूजर्स को अब लंबे वीडियो और ऑडियो पोस्ट कर सकेंगे। एलन मस्क के मुताबिक ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की वजह से ट्विटर का रेवेन्यू बढ़ेगा और कंटेंट क्रिएटर्स को रिवॉर्ड भी मिलेगा। ट्विटर पर ब्लू सब्सक्रिप्शन के बाद भी मस्क रुकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ट्विटर खरीदने में काफी पैसे लगाए हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि ट्विटर से काफी पैसे कमाएं, क्योंकि उन्होंने इसे खरीदने में काफी पैसे खर्च किए हैं। इसलिए अब वो नए फैसले लेकर पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरे विश्व में ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 24 मिलियन से भी अधिक ट्विटर अकाउंट हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ करीब 77 मिलियन ट्विटर अकाउंट हैं और जापान में लगभग 58 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ट्विटर कितनी कमाई करेगा। मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।